हाँ तो आदरणीय हमारे बुजुर्ग लोग एवं नौजवान साथियों व प्यार करने को बच्चों और हमारी माता बहने, त्रिमूर्ति कष्ट के माध्यम से हम आपके समस्त किस्सा सुनाते आ रहे हैं और सुना रहे हैं। आज त्रिमूर्ति कष्ट के माध्यम से धारा नगरी का किस्सा कहने के लिए जा रहे हैं राजा गोपी चंद। बड़े गौर से सुनेंगे, बड़ा ही आनंद आएगा। धारा नगरी में भयो गोपी चंद महाराज, गोपी चंद महाराज की सो अमर कथा कहूं आज। पिता तिलक चंद बनी और मेना बंती मात हैं, सोले सो घर में रानियां सब रहती हिलमिल साथ है। बंधुओं, राजा गोपी चंद के पिता तिलक चंद थे, मेनावंती मात थी उनकी, 1600 घर में पटरानी थी और 1,25,000 उनके कुआरी कन्या थी घर में। रानी बड़ी उनकी चतुर और नाम रतन कुमार है, सेवा करती अधिक वो पति की पतिव्रता नार है। बंधुओं, इधर में रतन कुमारी महल में आराम कर रही है और सबसे ज्यादा प्रेम करते थे रतन कुमारी को राजा गोपी चंद। तो बंधुओं, उस रात्रि में रतन कुमारी स्वप्न देखती है, उस सपने में उनके पिया हैं महात्मा हो जाते हैं। वह स्वप्न देख करके सुबह उठती हैं तो अपने चेहरा दर्पण में देखा है, अशगुन भी नजर आए हैं। तो उनके पिया जब आए हैं राजा गोपी चंद पास में तो क्या कहने लगी है, पिया एक बात कहें। हाँ हाँ कहो। मैंने सपनों देखो स्वामी, मैंने सपनों देखो स्वामी, मैं खा रही धरन पछार, सब छोड़ के महल अटारी मेरे जोगी भय भरतार। हे पिया, मैंने जो रात्रि में सपन देखा है उस सपने को देख करके मेरे से रहा नहीं जा रहा है। मेरे प्राणनाथ, यदि आप महात्मा हो जाएंगे इस अवस्था में मुझे छोड़ करके, भला हम ये 1600 रानी आपके बगैर कैसे महल में व्यतीत करेंगे, कैसे रहेंगे मेरे सैया। मैंने सपनों देखो स्वामी, मैंने सपनों देखो स्वामी, मैं खा रही धरन पछार, सब छोड़ के महल अटारी मेरे पिया। मैंने सपनों देखो स्वामी, मैं खा रही धर
नजर आ रहे हैं, भला ये देख करके मुझसे रहा न जा रहा है। बंधुओं, आज इतने शब्द सुन करके राजा गोपीचंद अपने माँ के पास पहुंच जाते हैं। माँ को प्रणाम किया, चरण छुए। माँ उदासी को देख करके कहने लगी, बेटा आज ऐसी कौन सी बात है जो कि तुम्हारे चेहरा को उदासी। बोले, माँ आज हमारे रतन दुलारी ने जो देखा है सब, और सपने में बताया है कि हम महात्मा हो गए। माँ, कहीं सपने सांचे होते हैं? बोले, क्यों नहीं बेटा, तू मेरे इकलौती संतान है जो तेरी रानी ने देखा है, और मेरा भी कहा मान, तू सचमुच महात्मा ही हो जाए। बंधुओं, आज माँ समझा रही और कहा कह रही है, अरे जोगी है जा तू मेरे लाल, बेटा जोगी है जा तू मेरे लाल, अमरो तनो है जाए गो, जोगी है जा तू मेरे लाल, अमरो तनो है जाए गो। बेटा जोगी है जा तू मेरे लाल, जोगी है जा तू मेरे लाल, हमारो तनो है जाएगो। आज इतने शब्द सुनकर के माँ के गोपीचंद कहने लगे, माँ तुम भी कहने लगी, हाँ हाँ बेटा, तू मेरी इकलौती संतान है, 1600 घर में रानी है और 1,25,000 तेरी कन्या है, भला बेटा तेरे बगैर उनका कौन है, और तू महात्मा हो जाएगा ना, गुरु गोरखनाथ की शिक्षा पा तो तेरो अमर शरीर है जागो बेटा। बोले, मैया ये तुम क्या कह रही हो, मेरी समझ में नहीं आता है। बोले, बेटा सुन, धन दौलत तू यारो महल माटी में
प्रेमियों, आज माँ समझा रही है गोपीचंद को। गोपीचंद समझाते हैं, माँ तुम कहती हो वो सत्य है, लेकिन ये घर में 1600 रानी और 1,25,000 कन्या, मैं जोगी हो जाऊंगा माँ तो फिर मेरा घर से कोई मोह लालच नहीं रहेगा और मैं इनको कैसे देखभाल करूंगा। बोले बेटा कोई किसी का नहीं होता है, मेरी तो तू इकलौती संतान है, मेरे लाल तू जोगी हो जा, तेरी अमर काया हो जाएगी, इसलिए तू गुरु गोरखनाथ की शरण में पहुंच जा मेरे लाल। आज बंधुओं बहुत कुछ माँ को समझाता है लेकिन माँ के समझ में नहीं आता, माँ शपथ दिला देती है मेरे लाल पहुंच जाओ ना जाओ। बंधुओं आज गोपीचंद माँ की हट को देख करके और देखिए किस प्रकार से गुरु गोरखनाथ जी की शरण में जाता है और क्या बोला है। माँ गुरु शरण में जाऊं री मैया, वचनों को मान करके और गुरु गोरखनाथ की कुटी पे पहुंच जाता है तो क्या कहने लगे और क्या आवाज लगाई है।
पे जब पहुंच जाता है तो गुफा के दरवाजे पे गोपी चंद खड़े और वार लगा रहे हैं। अरे धारा नगरी छोड़ दई मैंने छोड़ी सब पटरानी है, सुनकर के गुरु गोरखनाथ कहने लगे अपने शिष्य भरतरी से कि जाओ देखो गुफा के दरवाजे पे कौन आवाज लगा रहा है। भरतरी दौड़ के आते हैं, अपने भांजे गोपी चंद को देख करके हैरान हो जाते हैं। जैसे अपने मामा को देखा है गोपी चंद ने प्रणाम किया हाथ जोड़ करके और कहने लगे कि हे मामा, मैं आपके गुरु की शरण में आया हूँ और मुझे शरण में ले लो। इतने जो शब्द सुने हैं, भरतरी कहने लगे लाला अज्ञान न बनो, अरे धारा नगरी के राजा हो तुम, भला घर में 1600 रानी सवाला कन्या उनकी देखभाल कौन करेगा। बोले कुछ नहीं मामा, मुझे अब अपनी शरण में ले लो और जाकर के कहो कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। इतने जो शब्द सुने हैं गोरखनाथ जी सब सुन लेते हैं और उनसे कहा भरतरी उन्हें आने दो। जैसे ही गोपी चंद पास में पहुँचे प्रणाम किया चरण छुए और कहा कि हे गुरुजी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इतने जो शब्द सुने हैं तो उन्होंने कहा कि यदि तू अपनी पत्नी से माँ कह करके भिक्षा ले आएगा तो मैं तुझे अवश्य अपना चेला बना लूँगा। इतने जो शब्द सुने उन्होंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। तो कहने लगे गोरखनाथ कि मेरी बात को अच्छी प्रकार से सुनना। बोले हाँ आप कहो। इतनी सुन बोले बचन गुरु गोरखनाथ, भिक्षा लाओ महल से त्रिया से कह कर मात। तो क्या हुआ बंधुओं, आज कहने लगे हैं भरतरी, अरे गुरुजी आपकी आज्ञा पाऊं, ए गुरुजी आपकी आज्ञा।
वचन निभाऊं। गुर से छाप कर पाए गुरु की तू महलन पूजियो और माता माता कह करके तू भी चले आइयो। अरे मैया मैया कह करके तू भी चले आइयो। गुर से छाप कर पाए गुरु की तू महलन पूजियो मैया मैया कह करके स्वीकार कर लेते हैं, क्यों नहीं गुरुदेव, अवश्य तुम्हारा शिष्य बनूंगा और अपने त्रिया से मैं माँ कहकर के बच्चा लेके अभी आता हूं। झोली टांगी कांख में धर जोगी को भीष आज्ञा पाकर गुरु की सो चल दिए अपनी दिश। संकोच कियो मन में नहीं धारा नगरी में चल दिए। हाथ कमंडल कर में कंठी वस्त्र गेरुआ पहन लिए। गुरु नाम का करते सुमरन गई महलों में आए हैं। अलख जगायो द्वार पे भिक्षा के वचन सुना। आज बंधुओं महल पे आकर के अलख जगाया अपने द्वारे पे और क्या कहने लगे हैं। अरे देवी आ जाओ बाहर जोगी ठाणो तेरे द्वार मेरी झोली में मैया तू भी चार डाल दे।
कह करके दरवाजे पे आवाज लगा रहे हैं और क्या सुने हैं। रानी व्याकुल होती है और अपनी दासी को भेज करके पूरा पता जो देखा है, दासी व्याकुल हो जाती है मूर्ति को देख करके कि ये तो महाराज है, लेकिन कैसा भेष। महारानी महारानी गजब हो गया, क्या बात है, जो तुम कहती थी वही है क्या। हाँ, दौड़ करके रानी आई और अपने पिया को महात्मा की भेष में देख करके पछार खा के गिर पड़ी। बोले स्वामी ये क्या किया, कुदरत ने क्या दिखाया रे, दिखाया रे नसीबा साजन मेरे जोगी तेरे। किया ये क्या किया मेरे नाम, राजकाज को छोड़ करके आपने ये कैसा भगवा भेष धारण किया। कुदरत ने क्या दिखाया रे, दिखाया रे साजन मेरी जोगी तेरी। ये क्या सोची मेरे नाथ, जो तुझको
मंडल में 1600 रानी और 1.25 लाख कन्या कुआरी, भला तुम्हारे बिगर कौन हमारा है मेरे सैया। सोचा समझा, किसके कहने से आपने ऐसा किया? कुछ नहीं, अब तुम मेरी रानी नहीं बल्कि तुम मेरी माँ हो। मेरे गुरु की आज्ञा है, मुझे झोली में भिक्षा डाल दो ना। हे सैया, हे प्राण प्यारे, मैं कैसे भिक्षा डालूं, क्या कहूं तुमसे? सुनो प्राण प्यारे, साजन हमारी
मेरे नाथ। कहना है कि अपनी स्त्री से माँ कहकर के भिक्षा लेके आओ और हम उनका वचन निभा रहे हैं। हाय हाय महात्मा की झोली में डारती है। लीजे लीजे मेरे नाथ ये भिक्षा लीजे और साथ साथ मेरे प्राण भी लीजे। बंधु आज गोपी चंद अपनी स्त्री से माँ कहकर के भिक्षा लेके अपनी माँ के पास जाता है। इधर में रानी पछाड़े खाती है, व्याकुल होती है, महलों में पड़ी रह जाती है।
भिक्षा लेकर नारसी और चल दिए माँ के महल। माँ के द्वारे अलग खुदियों सो आंगन में रही टहल। आज मैया के पास में पहुंच जाता है, हाय हाय अलख निरंजन कहा, जैसे ही माँ ने मुड़ के देखा, न घर से टालो माँ ये भिक्षा डारो माँ, द्वारे तेरे आया माँ हो के तुम्हारे द्वारे खड़ा है। कौन किसी का दुख पहचाने, कौन किसी का दुख पहचाने, पीर पर आई कोई न जाने। पीर पर देश में आ गया हूँ और मैं गुरु गोरखनाथ जी का शिष्य बन चुका हूँ। धन्य है मेरे लाल, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी, मेरा कहा तुमने माना ना। धन्य धन्य बना।
शब्द सुन करके गोपी चंद के आज माँ बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी, बेटा से कहने लगी मैना बंती माँ तो जोगी बन करवा गया भयो उधर प्रभात। माँ कहने लगी है, मेरे लाल आज मैं तुझे देख करके बड़ी प्रसन्न हूँ, अब तेरी अवश्य ही ये काया अमर हो जाएगी। बेटा भेष बदल कर आया तूने मेरा वचन निभाया, गुरु गोरखनाथ तुम्हारी अब अमर करेंगे काया। बेटा भेष बदल कर आया तूने तूने मेरा वचन निभाया, गुरु गोरखनाथ तुम्हारी अब अमर करेंगे काया। गोपीचंद हंस करके कहने लगे, माँ तुम तो बिल्कुल भोली हो। अरे जब मैं संत सन्यासी बन चुका हूँ माँ, जोगी का कोई रिश्ता नहीं होता है, कौन किसकी बहन कौन किसका भाई, ये तो रमता जोगी है और बहता पानी है, न जाने किधर को इनका ध्यान उठ जाए। माँ इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। आलाख निरंजन, आगे बढ़ जाते हैं बंधुओं। और क्या होता है, बात न मानी मैया की मुस्काई मनमंद, बंगाले को चल दिए सो राजा गोपी चंद। आज बंधुओं माँ की बात को न मान करके गोपी चंद बंगाले में पहुंच जाते हैं। हाय हाय, जैसे ही बंगाले में आगे बढ़ते हैं तो एक कुआं पर चार आय हाय चार सहेली पानी भर रही थी, और पानी भरते ही जोगी पे नजर गई तो क्या बातचीत कर रही आपस में।
चार सहेलियां खड़ी खड़ी जोगी को देखत घड़ी घड़ी। चार सहेलियां खड़ी खड़ी जोगी को देखत घड़ी घड़ी। और क्या हो रहा भैया? जोगी के भेष को देख रही गोपी चंद पहली बार हाय हाय बंगाले में गए थे जो भी जोगी के भेष में। सोचने लगे महल तो मैंने देखे ही नहीं, क्यों न इन देवियों से जाकर के पूछूं। आज कुआ के नजदीक पहुंचे हैं और सखियां आपस में मुस्कराने लगी हैं और गोपी चंद कहने लगे, हे देवियों सुनो, देवी जरा पास आओ,
देवी जरा पास आओ, मुझे महलों का रास्ता बताओ। जरा ध्यान से सुनो, आप देरी न करो, मुझे जल्दी से महलों की रास्ता बताओ। मैं बड़ी दूर से पैदल चल के आया हूँ, मैं हारा थका हूँ। जब जोगी के वचन सुने हैं तो चंपा सखी उंगली उठा करके कहने लगी, ए बाबा देखो वो ऊंची अटारी चमक रही है, वही चंपा देवी के महल हैं। आज बंदो इतने शब्द सुनकर के जोगी ने
वहां पानी पिया है। जोगी वहां से चल दियो, महलों में गयो है आई, चंपा दी की द्वार पे सोती आवाज लगाई। आज महलों के दरवाजे पे पहुंच करके और आवाज लगाई है, अलख निरंजन, अरे है कोई ये भिकारी तुम्हारे दरवाजे पे भिक्षा लेने के लिए आया है। द्वार पर दासी खड़ी, दियो तनक ध्यान, जोगी से कहने लगी तू ठगिया बेईमान। आय हाय, जैसे ही आवाज सुनी है जोगी की तो चंपा देवी की जो बंधु दासी थी वो दौड़ करके दरवाजे पे आई और महात्मा को देख करके, आये हट्टा कट्टा शरीर तो वैसे हो तो सुंदर थे, और देख करके वह दशा कहने लगी, ए तू कोई जोगी नहीं, तू मुझे ठगिया मालूम पड़ता है। बोले आप ये क्या कह रही हो, मैं महात्मा हूँ, जोगी हूँ, सन्यासी हूँ। तो दासी क्या कहने लगी, भैया रामवीर दान दिया जाए, ए जोगी दान दिया जाए या ना दिया जाए, बोल जोगी राज तुझे कैद किया जाए। दान दिया जाए या ना दिया जाए, बोल जोगी राज तुझे कैद किया जाए। ए सुन, हाय हाय, दान दिया चितवन बड़ी तीखी है रे, जोगी लगता ना लगता है ठगिया, आया महलों में छलिया तू छलिया। जोगी लगता ना लगता है ठगिया, आया महलों में छलनी तू छलिया। दिया जाए या ना दिया जाए, बोल जोगी राज तुझे कैद किया जाए। और क्या बंधुओं, आज ये शब्द सुने हैं, गोपी चंद बड़े लज्जामान होते हैं और कहने लगे, ए देवी जरा आप होश संभाल के बात करो। गोपी चंद का ये नाम बताता, सुनो मैं अपना परिचय दे रहा हूं, गोपी चंद का मैं नाम बताता, खौफ मरने का क्यों नहीं खाता। आपको यह मुनासिब नहीं है, अरे तुम क्या मुझे पहचानोगी, वो भी दिन था जब मैंने तुम्हें दान में अपनी बहना को दिया था, अरे मैं गोपी चंद हूं, मैं राजा हूं। हाय हाय, ना 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 ना, गोपी चंद का तू नाम बताता,
खौप मरने का नहीं तू खाता। और क्या दौड़ करके महलों में पहुंची जहां चंपा दे बैठी हैं, और वहां देखा चंपा दे एकदम से कहने लगी, अरे दासी आज क्या मिल गया है जो दौड़ी दौड़ी तुम मेरे पास आई हो। बोले माँ, अरे बहना मैं क्या बताऊं तुम्हें, महारानी आज मैंने जो देखा है तुम्हारे भैया को। बोले हमारे भैया गोपीचंद आए हैं? हाँ, वो महात्मा के वेश में हैं और वो अपना नाम गोपी चंद बताते हैं, मुझे तो यकीन नहीं होता। बोले क्या, मेरी बहना भैया तीरो अभिलाषी आयो बन के सन्यासी धौरागढ़ से वे जोगी भीषु में। मेरी बहना भैया तीरो अभिलाषी आयो बन के सन्यासी धौरा सुनकर के चंपा दे आज व्याकुल होती और कहने लगी, ओ बहना अरे ओ दासी ऐसे शब्द न कहो, हे रानी आज मैंने देखा है मेरी यकीन मानो। भैया तुम्हारो जोगी है गयो, भैया तुम्हारो जोगी है गयो, सत को सतवादी योगी है गयो। मेरी बहना भस्मी रमाई अंग गल में माला लटकाई लटकी है दाढ़ी लंबी केसु में। मेरी बहना भैया तीरो अभिलाषी आयो बन के सन्यासी धौरागढ़ से जोगी केसु में। और क्या कहने लगी है, हे रानी सुनो, तेरे भैया की बिगड़ी खाटू ही, तेरे भैया भैया तीरो अभिलाषी आ
जाने अंगुर माई गलमी माला लटकाई लटकी है डाड़ी लंबी की सुमी मेरी बहना भैया तीरो अभिलाषी आयो बन के सन्यासी घोरागढ़ से वे जोगी बी सुमी मेरी बहना भैया तीरो अभिलाषी आयो बन के सन्यासी घोरागढ़ से वे जोगी बी सुमी और क्या तेरे भैया की बिगड़ी था तू ही तेरे भैया की बिगड़ी था तू ही हाँ दर पे निहारे तेरी बात तू ही दर पे निहारे तेरी बात तू है मेरी बहना झांझर ये शंख बजावे दर दर पे अलख जगावे आयो है जोगी बनके दी सुमी मेरी बहना भैया तीरो अभिलाषी बनके आयो सन्यासी घोरागढ़ से वे जोगी भी सुमी मेरी बहना भैया अभिलाषी आयो बन के सन्यासी घोरागढ़ से वे जोगी भी सुमी तो मेरे भगवत प्रेमियों इधर में दासी ने जो चंपा दे को जो हाल सुनाया है चंपा देवी को यकीन न होता है तो दौड़ के दरवाजे पे आती है। आज सूरत देखी तो क्या होता है दासी की ऐसी सुनी रानी गई सकुचाई भैया से मिलने द्वारे पहुंची आई भैया न देखन मिलो मिलो है जोगी राज जोगी से कहने लगी सुकर की गरम मिजाज। आज चंपा देवी दौड़ करके दरवाजे पे आई गोपी चंद तो आहा राजा थे लेकिन जब अपनी बहन ने देखा है जब गोपी चंद को तो पहचान न पाई है और क्या बोली है क्यों भयो बाबुरी जोगी ओ जोगी क्यों भयो बाबुरी जोगी ठगे तू ठगिया सन्यासी बहना मैं तो से सही कह रहा हूं मैं गोपी चंद हूं केवल तेरे दर्शन की अभिलाषा थी मैं तेरे दर्शन करने के लिए आया हूं ना कि बच्चा लेने। ए ठगिया तू मेरो भैया बनने होए वो यकीन ना आ रो क्यों भयो बाबुरी जोगी ओ जोगी
करती है चंपा देवी, क्यों अकल तेरी बोराई, राजा है मीरो भाई। क्यों अकल तेरी बोराई, राजा है मीरा भाई। कर तो दिया कर कर बोली, तेने को शर्म नहीं आई। मत बोल मिला था। हाय, मैं तेरी बहन हूँ, तू मेरो भाई है। ना 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 ना, क्यों भयो बाबू रे जोगी, यो जोगी क्यों भयो बाबू रे जोगी। लगे तू ठगिया सन्यासी, सन्यासी तुझे लगवा दूंगी मैं फांसी। हो निहार रहे, और क्या दशा है। चंपा देवी कहन को जोगी रहो समझाई, भैया मैं तेरा हूं सगो, रही क्यों नजर धोखो खाई। हाय हाय, अरे बहना तू काय को धोखो खा रही है। सुने मत क्रोध करे मेरी बहना, मत क्रोध करे मेरी बहना। ये जोगी मत क्रोध करे मेरी बहना, ओ बहना मत क्रोध करे मेरी बहना। ये गोपी चंद तेरा भाई, भाई भाई, मेरी मैना बंती मेहतारी है। बहना ध्यान कर, पूरा बदेश किलो हमारो, तो सब रो हाल बताऊं।
चंद अपना पता अपनी बहन को जब बताते हैं तो बहन को मेरे प्रिय बंधुओं यकीन नहीं होता है। हालत देखी भैया की बहन भई लाचार, फूट फूट कर रो पड़ी सो खाई धरनी पछार। एकदम से अपने भैया की सूरत को निहार के भैया भैया कह करके बंधु धड़ाम से धरती पे गिरी है। और क्या हुआ है, धीरज न वो धर सकी, हाय हाय डकुराई, घटना ऐसी घट गई फिर दीने प्राण गमाए। आ चंपा दे अपने भैया को वहाँ देख देख करके रो रो करके गम में डूब जाती है, जहाँ तक है कि अपने प्राणों को भी उसने छोड़ दिया था। हुआ अंधेरा नजरों में गम के बादल छा गई, मरी देख कर बहन को गोपी चंद तब घबरा गई। आज अपनी बहन चंपा दे को मरी देख करके गोपी चंद फूट फूट करके रोने लगे, बहना बहना ये क्या हुआ बहना, विध ने बिगाड़ी है विधना याद, गुरु गो रख मेरी रखियो लाज, बहना ने प्राण तजी दाग मुझको लगा, बहना ने ये क्या हुआ, विध ने बिगाड़ी है विधना याद, गुरु गोरख जी रखियो लाज, बहना ने प्राण तजी मुझे दाग लगा, बहना ने प्राण तजी दाग मुझको
देव, आज ये कैसी परीक्षा ली जो कि आज मेरी बहन ने मेरे वियोग में अपने प्राणों को त्याग दिया। हे नाथ, ये दाग मेरे सर पे लगा है।
बना दे। ओ बहन मेरी प्यारी प्यारी बहन बहन मैं गोपी चंद हूँ बहन। अरे अपने भैया को बोल तो सुना। अरे मैया ने बार बार मुझे समझायो, मैया ने बार बार मुझे समझायो, मानी नहीं बात तेरे पास में आयो, मानी नहीं बात तेरे पास में तो आयो, मैं तू के वो सकल समाजा, अपने भैया गोपी चंद फूट फूट करके अपनी बहन की लाश पर रोता है। ए धर्मी
क्या होता है देखिए। गोपी के बसुना रही तब गुरु ने कीना ध्यान, गुरु गोरखनाथ जी हर बात गई पहचान। जब गोपी चंद की बस से बाहर हो जाता है तो अपने शिष्य की आवाज यानी पुकार को सुन करके गुरु गोरखनाथ क्या करते हैं, देख रहे थे द्रव दृष्टि से बंगाली को खील, बंगाली में हो गया और गुरु शिष्य का मेल। आहा, तुरंत ही वह बंगाली में गोरखनाथ जी आ जाते हैं और अपने शिष्य को घबराते हुए देखा तो सर पे हाथ रखा। जैसे ही देखा गोपी चंद ने आज रो करके चरणों में गिर पड़े हैं, बोलो गुरुदेव ये क्या हुआ है। बंगाली में गोरखनाथ पधारे, बंगाली में गोरखनाथ पधारे, देखा था यति व्याकुल चेला, देखा था यति व्याकुल चेला, चारों तरफ था गम का झमेला, सब कारज सफल करी। बंगाली में गोरखनाथ पधारे, बंगाली में गोरखनाथ पधारे, और क्या किया बंधुओं। अरे बाबा लाश के पास में आई, बाबा लाश के पास में आई, चीर के उंगली रक्त पिलाई, हाथ चीर के उंगली रक्त पिलाई, और क्या अब शिष्य के संकट हरे। शिष्य को कीना प्रताप, गोपी चंद की अमर कथा होती यहीं समाप्त।